फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दिशाज रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आप देख रहे हो, बहुत दिनों के बाद, मतलब 1 से 1.5 महीने के बाद हम लोग बनाने जा रहे हैं नॉनवेज रेसिपीज। बहुत रिक्वेस्टेड रेसिपी है ये। तो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं कलेजी फ्राई, जो पूना स्पेशल है। पूना स्पेशल जैसे हम लोग पुनेरी मिसल वगैरह बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही हम लोग पुनेरी स्पेशल आज कलेजी फ्राई बनाएंगे, जो बहुत जबरदस्त बनेगी। आपको तो खाने में बहुत मजा आएगा, क्योंकि बहुत दिन हो गए, नवरात्रि थी, फिर अधिक मास था, बहुत सारे त्यौहार थे, तो हम लोग नॉनवेज रेसिपी नहीं देख पाए। तो आज हम लोग एक बहुत ही आसान तरीके से ये बनाएंगे। बिल्कुल भी कोई झंझट नहीं रहेगा, बिल्कुल भी कुछ नहीं रहेगा। बस 15 से 20 मिनट में, ज्यादा से ज्यादा हार्डली हम लोग हाफ एन आवर में ये बना के तैयार कर देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के रेसिपी के लिए। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग मसाला बनाएंगे। तो ये मैंने लिया है लगभग आधा किलो कलेजी, ये चिकन की कलेजी है, तो अच्छे से इसे मैंने वॉश कर लिया है। तो उसका मसाला बनाने के लिए ये मैंने लिए है 2 मीडियम साइज के टमाटर, 1 बड़ा प्याज, फिर इसमें हम लोग ऐड करेंगे जीरा। आप जीरा और धनिया का जो पाउडर होता है वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। फिर डालेंगे थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ा सा हींग, गरम मसाला और लाल मिर्च पाउडर। ये आप अपने हिसाब से डालें, आपको जैसे तीखा पसंद हो वैसे आप इसे यूज करें। तो अब ये सभी मैं अच्छे से पीस लूंगी, और ये सबसे लास्ट में हम लोग डालेंगे अदरक और लहसुन, करीब 10 से 12 लहसुन और 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 टेबलस्पून हरा धनिया। अभी ये हम लोग थोड़ा सा, एकदम बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से इसे बिल्कुल बारीक पेस्ट करके पीस लेंगे। तो ये देखिए, थोड़ा सा बिल्कुल अच्छे से दरदरा मैंने पीस लिया है। तो उसमें हम लोग डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, नमक थोड़ा सा हिसाब से डालें, क्योंकि हम लोग इसके बाद इसमें कलेजी वगैरह ऐड करने वाले हैं, और कांदा लहसुन का मसाला 1 टीस्पून। बस अभी फिर से हम लोग इसे अच्छे से बिल्कुल अभी बारीक 2 से 3 चम्मच पानी डाल के बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। तो ये देखिए, मैंने ये अच्छे से मसाला बिल्कुल पीस लिया है। तो ज़्यादा पानी नहीं डाला मैंने, बिल्कुल 3 से 4 चम्मच पानी का यूज़ किया है, नहीं तो ये बहुत पतला बन जाएगा और हम लोगों को जो सूखा फ्राई बनाना है वो नहीं बनेगा। तो ये जो मैंने, हम लोगों ने कलेजी लिया है, तो ये सारा मसाला हम लोग इसे अच्छे से लगा लेंगे। और अब इसे अच्छे से हम लोग मैरिनेट कर लेंगे, और करीब 20 से 25 मिनट्स के लिए हम लोग इसे साइड में रख देंगे, ताकि ये अच्छा सा मैरिनेट हो जाए। तो देखिए गाइस, इसे अभी रखे हुए लगभग 15 से 20 मिनट हो गए हैं, अभी मैं निकाल लेती हूँ। तो देखिए, बिल्कुल अच्छे से ये मैरिनेट हो गया है, अभी हम लोग इसे फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए, मैंने पैन अच्छे से गरम कर लिया है, तो उसके ऊपर हम लोग डालेंगे तेल और ऑयल को अच्छे से गरम होने देंगे। तो तेल हमारा अच्छे से गरम हो गया है, इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा धनिया पत्ता, और जो हम लोगों ने कलेजी फ्राई कर ली थी वो अब हम लोग इसमें डाल देंगे। तो अभी अच्छे से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और सबसे आखिर में हम लोग इसमें डालेंगे एवरेस्ट का मीट मसाला, मटन मसाला। आप चिकन मसाला भी यहाँ पे यूज कर सकते हो, लेकिन मेरे पास ये अवेलेबल था तो मैंने ये डाल दिया है। ये आप स्किप कर सकते हो, अगर आपको नहीं पसंद है तो ना डालें। अच्छे से अभी इसे मिक्स कर लेंगे, और थोड़ा सा हमें जो गैस का फ्लेम है वो मीडियम रखना है, बिल्कुल लो नहीं रखना है। और जब तक हमारा मसाला जो है पूरा सूखा नहीं हो जाता, बिल्कुल इसका जो तेल नहीं छूटता है, तब तक हमें इसे अच्छे से फ्राई होने देना है।
हमें मीडियम टू लो गैस पे इसलिए पकाना है क्योंकि ये जो कलेजी में जो पीस रहता है इसको जिसको पेठा बोलते हैं तो उसे वो थोड़ा सा कड़क रहता है, तो हम लोगों ने ये फ्राई नहीं किया है तो इसलिए हमें इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाना है ताकि ये बाकी के कलेजी वगैरह के साथ अच्छे से पक जाए, क्योंकि इसे पकने में थोड़ा सा कलेजी से ज़्यादा टाइम लगता है। तो पेठा आप पहले से थोड़ा सा बॉईल कर ले या फिर थोड़ा सा मीडियम टू मीडियम फ्लेम पर इसे कलेजी के साथ ही पकने दें। तो देखिए गाइस, हमारा जो मसाला था वो बिल्कुल अच्छे से इसने सोक कर लिया है, बिल्कुल इसको अच्छे से तेल वगैरह छूट के हमने जब भी डाला था तो थोड़ा सा पतला सा था, आपने देखा होगा, और हमारा जो पीस वगैरह है वो अच्छे से पक भी चुके हैं। देखिए बिल्कुल आसान तरीके से टूट रहे, तो बस एक अभी 4 से 5 मिनट तक और हम लोग इसे पकाएंगे, फिर हमारा कलेजी फ्राई बिल्कुल बन जाएगा। तो देखिए गाइस, फाइनली कलेजी फ्राई हमारा बन चुका है, बिल्कुल उसका जो मसाला है एकदम बराबर से एक जगह पे इकट्ठा हो गया है क्योंकि इसका जो तेल है वो अच्छे से इसने सोख लिया और पक भी अच्छे से गया है। तो अभी हम लोग चलते हैं इसे सर्व करने की प्रोसेस में। कलेजी फ्राई है वो बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है, तो आपने देखा कितना आसान था ये बनाना, और जो हम लोगों ने इसका मसाला बनाया है ये कैसे बिल्कुल आसान तरीके से हमारे घर में अवेलेबल हो जाता है, तो ये इसका मसाला भी हम लोग आसान तरीके से बना पाते हैं और खाने में भी ये इतना ही बहुत मज़ेदार लगता है। जिसको कलेजी वगैरह पसंद नहीं है वो इस तरीके से कलेजी फ्राई अगर बनाएगा तो बिल्कुल उसे बहुत पसंद आएगा और कोई भी कलेजी खाना बिल्कुल अवॉइड नहीं करेगा क्योंकि कलेजी में बहुत प्रोटीन्स वगैरह होते हैं, तो जितना भी इसका जो एनर्जेटिक पार्ट है चिकन का वो कलेजी ही है, तो वो तो खाना ही चाहिए। तो देखिए हमारी कलेजी बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। तो आपका आज का वीडियो कैसे लगा मुझे बिल्कुल कमेंट करके बताइए, तो ये बिल्कुल ट्राई करके देखिए, तो बहुत सारा शेयर कीजिए वीडियो को, लाइक कीजिए, और हाँ अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ऐसे अच्छे से वीडियो के साथ मिलते हैं हम लोग एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।